नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स वाले चैप्टर से सभी इम्पोर्टेंट कार्टून्स को कवर करेंगे। तो ये है हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट कार्टून। देखो, इस कार्टून में हमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका निचोड़ दिया गया है, यानी कि पूरा कंक्लूजन है इसी चैप्टर के अंदर। देखो, इसमें क्या दिखाया गया है, एक रोलर कोस्टर दिखाया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, यानी कि ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है 90s के टाइम की इंडियन पॉलिटिक्स को। ठीक है, और हम सभी को पता है कि 90s का जो टाइम है, 89 के बाद से क्या हुआ था भारत में, एरा ऑफ कोएलेशन शुरू हो गया था, गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी, यानी कि किसी सिंगल पार्टी में इतना दम नहीं था कि वो अपनी सरकार बना सके। इसीलिए सभी लोग क्या करते थे, अपने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उसके बाद वो सरकार बनाते थे। तो 90 का पूरा दशक है, उस टाइम पर बहुत सारी सरकारें बनी और बिगड़ी। कोई सरकार एक साल चली, कोई दो साल चली, एक बार तो ऐसा हुआ था अटल बिहारी जी की जो सरकार बनी थी वो 13 दिन तक ही चली। तो क्या हो रहा था इस टाइम पे, सरकारें जो हैं वो फिक्स नहीं थी, स्थिर नहीं थी, बार बार जो है उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही थी, वो बार बार सरकार गिर रही थी, ऐसी ही इस टाइम पे राजनीति थी। तो उसी टाइम का ये कार्टून है। तो ये कार्टून हमें दिखाता है गठबंधन की राजनीति, एरा ऑफ कोएलेशन। अब इस कार्टून को आप ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से नेता आपको दिखाए गए हैं। देखो, सबसे पहले जो लंबी नाक के आपको दिख रहे हैं इधर, ये दिखाए गए हैं राजीव गांधी, जो कि 1984 से लेकर 1989 तक, 1989 तक हमारे पीएम रहे। अब इनके बिल्कुल साइड में दिखाए गए हैं वीपी सिंह। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें आपको सारे नेता बताए थे कि किस किस की सरकार कब कब बनी, तो इसी में यही बातें बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोज़ देखें, वहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि 1989 के बाद कौन कौन हमारे पीएम बने हैं। तो ये पहले तो आदमी तो है राजीव गांधी, राजीव गांधी के साइड में है वीपी सिंह, ठीक है, और वीपी सिंह के साइड में आपको दिख रहे होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी तो शक्ल पहचान में आ रही है बिल्कुल। तो तीसरे जो है ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इनके आगे देखो लिखा हुआ है रथ यात्रा। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या के लिए, राम मंदिर वाले मैटर के लिए इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी। ठीक है, अब लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे देखो आप, ये जो लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे हैं ये हैं चंद्रशेखर, ये भी कुछ टाइम के लिए पीएम बने थे। अब चंद्रशेखर के साइड में देखो वो है ज्योति बसु। अब तक कौन कौन से नेता हुए, इधर राजीव गांधी हैं, फिर वीपी सिंह हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उनके पीछे है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के साथ में है ज्योति बसु। ठीक है, अब इधर देखो लाल कृष्ण आडवाणी के बिल्कुल साइड में जो है ये है देवीलाल चौधरी, देवीलाल जो है हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है उस टाइम के ये। तो ये उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसीलिए इनका भी फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब देवीलाल के जो पीछे हैं वो है एनटीआर, आपने मूवी भी देखी होगी आरआरआर, उसमें जो है जूनियर एनटीआर है, तो उन्हीं जूनियर एनटीआर के जो सीनियर एनटीआर है वो है ये। ठीक है, इनका नाम था एनटी रामाराव, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एनटीआर बोलते हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, और ये फिल्म स्टार भी थे एनटीआर, तो तेलुगु देशम पार्टी के ये हेड थे, और एनटीआर ने भी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कई सारे ग्रुप बनाए हैं, कई सारे गठबंधन किए हैं मेन पार्टियों के साथ। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम है गठबंधन का ही टाइम है, तो यही सारे नेता हैं। तो देवीलाल के पीछे जो है वो है एनटीआर। आरआरआर मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो एनटीआर नाम के हीरो हैं वो इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, ये है सीनियर एनटीआर, उनको बोलते हैं जूनियर एनटीआर। ठीक है, तो एनटीआर के ही ये पापा हैं, और ये आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम पार्टी ने भी बहुत सारे गठबंधन करके सरकारें बनाई। उसके बाद इधर देखो बिल्कुल लास्ट में जो है ये है करुणानिधि, ये है द्रविड़ मुनेत्र कझगम पार्टी के लीडर। ठीक है, और इनके ऊपर जो है ये है प्रफुल्ल महंतो, ये थे असम के लीडर। ठीक है, तो ये जो कार्टून है इसमें मैंने आपको सारे नेता बता दिए हैं। अब ये कार्टून ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में उस टाइम पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, क्योंकि रोलर कोस्टर में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो बार बार सरकारें बन रही थी, बार बार सरकारें बिगड़ रही थी, तो ये उस टाइम की राजनीति है, ये उस टाइम के गठबंधन का दौर है। तो अगर आपसे नेताओं के नाम पूछते हैं तो आप सारे नेताओं के नाम बता सकते हो, वैसे आपसे इतने नाम नहीं पूछते, दो ही तीन मेन पूछते हैं। तो ये ऐसे पूछते हैं आपसे किन्हीं तीन नेताओं को पहचान लो, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हो।
ठीक है। अब देखो आपसे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया, तो आप इसका आंसर करोगे कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में ये बदलाव आया, इस समय पे कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी और गठबंधन का युग शुरू हो गया, यानी कि एरा ऑफ कोएलिशन शुरू हो गया। अब देखो आप अगला कार्टून, ये कार्टून है हमारा 1991 के आसपास का और इस टाइम पे देखो आप ऊपर आपको दिख रहे हैं सरदार जी, ये कौन है, ये है मनमोहन सिंह। और हम सभी को पता है हमारी जो नई आर्थिक नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो किसने डिज़ाइन की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो इसमें यही लिखा हुआ है, देखो आगे लिखिए लाइन, जोखिम और परेशानी भरा काम, हाँ सो तो है, लेकिन एक बार हम वहाँ तक पहुँच गए तो फिर सारी चिंताएं ख़त्म, जरा यह भी तो सोचो। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है। तो ये फोटो है जब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये LPG की नीति डिज़ाइन की थी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन की थी, जिसमें कि भारत ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था, विदेशी कंपनियों को, विदेशी निवेश को, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ावा दिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों को भारत ने उस टाइम पे अपनाया था। तो ये है 1991 की आर्थिक नीति जिसमें कि LPG को भारत ने अपनाया। तो ये फोटो कब का है आप बताओगे, ये फोटो है 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति का। इसमें ये आदमी कौन दिखाए गए हैं, ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यहाँ पे लिखा हुआ है लोन, फॉरेन कैपिटल, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। तो जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे, तो विदेशी करेंसी हमारे देश में आनी शुरू हुई, विदेशी कंपनियों का हमारे देश में जो है आना शुरू हुआ, उसकी वजह से फॉरेन कैपिटल यानी कि फॉरेन करेंसी भी हमारे देश में आई, वर्ल्ड बैंक ने भी हमें व्यापार करने के लिए लोन दिया, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने भी हमें लोन दिया ताकि हम ट्रेड में आगे बढ़ सकें। तो ये हुआ उस टाइम पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, डेट आप याद रखना 1991, किसने डिज़ाइन की थी ये भी याद रखना, याद रखोगे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डिज़ाइन की, ठीक है। और इसमें तीन बातें क्या थी, वो थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन भी दिया। ये हमारा कार्टून न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। अब ये वाला कार्टून आप देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस चैप्टर से तो इन्हें कार्टून देना होता है ना, तो इसी को उठाते हैं सबसे पहले। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप। देखो सबसे पहले इसमें आप आदमी देखो कौन कौन है, ऊपर जो है ये दो बैठे हुए हैं, एक तरफ है लाल कृष्ण आडवाणी जो कि BJP के नेता थे, और दूसरी तरफ है ज्योति बासु जो कि CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता थे। अब नीचे जो है वो है VP सिंह जो है वो नेशनल फ्रंट के नेता थे। अब नेशनल फ्रंट एक कई पार्टियों का ग्रुप था जो कि 1989 में बना था, और इस टाइम पे VP सिंह PM बने थे, प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो ये फोटो उसी टाइम का है। तो सबसे पहली बात, इसमें तीन नेता कौन कौन है, नीचे जो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं वो है VP सिंह, जो इन्हें ऊपर नचा रहे हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु। अब यहाँ पे आपको एक बिल्कुल अच्छे से दोनों की विचारधारा समझनी होगी। लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि जो BJP है वो राइटिस्ट विचारधारा की है, जिसे कि दक्षिणपंथी बोला जाता है, और दूसरे जो हैं ज्योति बसु ये हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, जिसे कि हम लेफ्टिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, ज्योति बसु की और लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी BJP की और CPIM की, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। पर आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, VP सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कार्टून यही दिखाता है कि विचारधारा अलग होने के बावजूद भी ज्योति बसु ने भी और आडवाणी ने भी, यानी BJP ने भी और CPIM ने भी, किसको सपोर्ट किया, बाहर से सपोर्ट किया VP सिंह को, VP सिंह की नेशनल फ्रंट की सरकार को, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें, वहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ाया है, सारी आपको पार्टी बताई थी मैंने कि किसकी सरकार कब बनी। तो ये फोटो है 1989 का, जब नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, VP सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उनको बाहर से सपोर्ट दिया गया था BJP के द्वारा और ज्योति बसु यानी कि CPIM के द्वारा,
ठीक है। अब यहाँ पे संसद दिखाया गया है आपको, ये पर्दे के रूप में जो दिखा रखा है, ये हमारी पार्लियामेंट दिखा रखी है। तो ऊपर वाले जो दोनों नेता हैं वो पार्लियामेंट में नहीं घुसे हुए, वो केवल बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फोटो ये दिखाता है कि इनका इतना दम है कि ये जब चाहे सरकार को गिरा भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। ये जो सरकार बनी थी 1989 में, ये पूरे तरीके से बाहरी सपोर्ट पर डिपेंड थी। तो अब देखो आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उपयुक्त कार्टून में वर्णित सरकार का निर्माण कब हुआ और यह कितने समय तक चली? तो इसका आंसर होगा, ये सरकार जो है इसका गठन दिसंबर 1989 में हुआ और यह नवंबर 1990 तक चली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मोर्चा में कौन कौन से दल शामिल थे? तो देखो राष्ट्रीय मोर्चा में जो मेन पार्टी थी वो थी जनता दल और कई सारी छोटी पार्टी थी इसमें। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल और कई क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे, यानी कई छोटी पार्टियां शामिल थी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, बाहर से समर्थन से क्या अभिप्राय है? बाहर से समर्थन से अभिप्राय यह है कि यह दल वाम मोर्चा और भाजपा सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं होंगे, परंतु सरकार को समर्थन देंगे ताकि उसका बहुमत बना रहे। तो CPIM जो है इसको वाम मोर्चा भी बोल सकते हो आप। तो वाम मोर्चा वाले और BJP वाले, भाजपा वाले इस सरकार में शामिल नहीं होंगे, केवल बाहर से सपोर्ट करेंगे। यही तो पूछा था कि बाहर से सपोर्ट का क्या मतलब है। बाहर से सपोर्ट का मतलब है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे, पर बाहर से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे केवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनके अलावा आपसे नेताओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बताओगे नीचे तो VP सिंह है, ऊपर जो है लाल कृष्ण आडवाणी है और ज्योति बसु हैं, क्लियर। तो ये बातें जो लिखी हुई है, ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, इसका मतलब है इन लोगों ने सरकार में पार्टिसिपेट नहीं किया, VP सिंह की सरकार को अपना सपोर्ट दिया। तो ये कार्टून बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये आपसे कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारे कार्टून करा दिए हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका काम है मेहनत करना और सारी वीडियोस को देखना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारी वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। 6 to 12th आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, उसकी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। ये वाला जो कार्टून है ये हमारा लास्ट कार्टून है इस वीडियो का। और इस कार्टून में आप देखो, पहले वाला जो फोटो है उसमें दिखाया गया है 1971 का टाइम, जिसमें कि इंदिरा गांधी खड़ी हुई दिखाई गई है और नीचे अटल बिहारी वाजपेयी दिखाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस फोटो में पूरी कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी तक पहुंचने की, पर उनकी पहुंच उन तक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस का ही नाम चलता था, कांग्रेस का ही सिस्टम था, कांग्रेस की ही प्रणाली थी। तो इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में जीती, उस टाइम पे इन पार्टियों का कोई नाम नहीं था, केवल एक ही दल का प्रभुत्व चलता था। तो 1971 का टाइम ऐसा था जब गठबंधन वगैरह की कोई ज़रूरत सरकारों को नहीं पड़ती थी, ठीक है, अकेली सरकार हमेशा बनती थी। इंदिरा गांधी जो है उनकी सरकार जितनी भी बनी अकेले दम पर बनी उनके, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले गठबंधन के द्वारा नहीं जीतती थी, अकेली ही पार्टी सरकार बना लेती थी। तो ये था 1971 का टाइम। उसके बाद अब दिखाया गया है 1999 का टाइम। 1999 में नीचे जो है, पहले अटल बिहारी दिखाए थे, अब इधर कौन दिखाई है, सोनिया गांधी दिखाई है। तो माहौल बदल गया है बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहीं रही है, राजीव गांधी भी नहीं रहे हैं, अब सोनिया गांधी का ये टाइम है 1999 वाला, सोनिया गांधी की एंट्री हुई है इस टाइम पे। तो सोनिया गांधी क्या कर रही है, अब दूसरे गठबंधन की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले कभी ये लोग पहुँचने की कोशिश करते थे, वैसे अब कांग्रेस वाली सोनिया गांधी जो है वो इन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। और जितने भी ये नेता खड़े हैं इनके ऊपर सबसे कौन दिखाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सरकार बनाई थी और वो हमारे प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये फोटो यही दिखाता है कि 1999 वाला जो टाइम है ये कैसा टाइम है, ये ग्रुप बनाकर सरकार बनाने का टाइम है। और 99 में सरकार किसकी बनी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनके ग्रुप का नाम क्या है, NDA। तो ये फोटो यही दिखाता है कि 99 में किसकी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की, पर उनकी जो सरकार है वो एक ग्रुप वाली सरकार है जिसका नाम है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
अब देखो इस कार्टून से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। निम्न कार्टून को देखते हुए बताइए कि यह 1971 और 1999 की किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपसे यही इसका समरी पूछेंगे। पूरी कार्टून को देखने से पता चलता है कि 1971 तक जो सरकार बनी वह स्पष्ट बहुमत के आधार पर बनी, यानी कि सिंगल एक ही पार्टी अपनी वोट से जीतती थी। लेकिन 1989 से 1999 तक के चुनाव में भारत की राजनीति में गठबंधन का दौर चला, पर अब हमें पता चल गया कि 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन का दौर चला, एरा ऑफ कोएलिशन चला, बहुत सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सरकारें बनाई और केंद्र में 9 सरकारें बनी जिनका आधार गठबंधन था। ठीक है, हम सभी को पता 1989 से लेकर 1999 के बीच में 9 बार सरकार बदल चुकी थी। ठीक है, और हर बार क्या था, गठबंधन की सरकार बनती थी। 2004 तथा 2009 की सरकार पर भी यही बात समान रूप से लागू होती है। देखो 1999 में एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम बने, उसके बाद 2004 तक वो रहे, 2004 में नीचे जो सोनिया गांधी दिखाई गई है इनकी सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी, पर कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं बनी जैसे इंदिरा के टाइम पे बनती थी, इनकी सरकार भी ग्रुप में बनी, यूपीए नाम से इनकी सरकार बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं जिसे, यानी कि कांग्रेस ने भी कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और मनमोहन सिंह हमारे पीएम बने। फिर ऐसा ही फिर 5 साल बाद हुआ 2009 में, फिर से इनकी सरकार बनी यूपीए की, यानी कि कांग्रेस के ग्रुप की। ठीक है, तो ये बात ये दिखाती है कि जब भी सरकारें बनती हैं तो वो ग्रुप वाली सरकारें बन रही है। अब तो पहले वाला टाइम अब गया, वक्त वक्त की बात है, जो पहले सिंगल पार्टी सरकार बनाया करती थी कभी 1989 से पहले, वो अब नहीं रहा है। 1989 के बाद तो गठबंधन की सरकारें ही चलती हैं। तो 1989 से 1999 तक बनी 9 सरकारें दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकारें थी, यानी कि दूसरों के सपोर्ट से वो चल रही थी। अब देखो 2009 तक मैंने आपको बताया था कि यूपीए की सरकार बनी, 2004 में जो सरकार बनी 2009 तक चली, 2009 में फिर से यूपीए की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस के ग्रुप की सरकार बनी, और फिर से हमारे पीएम जो है वो मनमोहन सिंह बने। उनके बाद 2014 में क्या हुआ, एनडीए की सरकार बनी, यानी कि बीजेपी वाले ग्रुप की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ, एनडीए की सरकार बनी और मोदी हमारे पीएम बने। ये कार्टून ये दिखा रहा है कि 1971 में जो पहले का भी टाइम हुआ करता था कि एक ही पार्टी सिंगल पार्टी अपनी सरकार बना लेती थी, 1999 में वो टाइम नहीं रहा है। 1989 के बाद सब कुछ बदल गया है, गठबंधन का दौर शुरू हो गया है और आज तक हम देखते हैं कि गठबंधन के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। तो ये था हमारा लास्ट कार्टून। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करो।